बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड रेवेन्यू मोहम्मद यूनुस डागा साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ उमर सुमरो साहब, जुबैर मोतीवाला साहब और स्टेज पे काबिले इज्जत एहतराम बिजनेस कम्युनिटी के लीडरान और पूरे सिंध से बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेड के जो लीडर्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के, मेरे कलीग्स, मेरे अफसरान, मीडिया के पर्सनल दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इट्स अ बिग डे फॉर मी, फॉर माय डिपार्टमेंट के यूनुस डागा साहब, जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ एज ए डी जी माइंस एंड मिनरल, वेन सर वॉज दी सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल। तो बहुत डेडिकेटेड लीडरशिप, गाइडेंस, कमिटेड, हार्ड वर्किंग एंड आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। जब सर ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो मिला एंड आई गेव हिम डिटेल प्रेजेंटेशन, तो सर ने वो जो एक मतलब रूटीन सी प्रेजेंटेशन थी उनसे हट के ही गेव मी डायरेक्शंस, जिसमें सबसे ज़्यादा जो थी कि जी वी हैव टू फैसिलिटेट दी बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, उनको ईज करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, तो कोई नई इनिशिएटिव जो है ना वो लॉन्च करें। तो सर ने हमें कहा कि जी वी हैव टू गो फॉर द डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ साइट एंड सेसिक, क्योंकि जब सर ने विजिट की थी तो ऑल द एसोसिएशन, जिसमें काटी, नूरियाबाद, कोटली, हैदराबाद, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट दे रेज द इश्यूज के जी उनके प्लॉट्स डबल अलाटमेंट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं विदाउट एंटीमेशन, विदाउट कंप्लीटिंग ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज। तो देन मिनिस्टर साहब डायरेक्टेड मी एंड माय टीम एमडी साइट एंड सिसिक के इनको डिजिटलाइज करें और इनको कंप्यूटराइज करें, ताकि द पीपल शुड नॉट कम एंड दे शुड नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द साइट एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, रादर देन को उनको उनके दहलीज पर विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनको लीज, उनको एनओसीज, उनको तमाम कागजात मिलने चाहिए। तो ही गेव अस अ डायरेक्शन कि जी आपने कोई एक महीने के अंदर अंदर डिजिटलाइज के प्रोसेस को मुकम्मल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मी एंड माय टीम वर्क हॉर्ड, वी डिस्कस विद द पीआईटीबी टीम पंजाब, इवन माय सेल्फ विजिटेड अलॉन्ग विद द एमडीज, और जो हमने उनको रिक्वायरमेंट दी कि हमने ये डिजिटलाइजेशन करना है, तो उनके लिए उन्होंने हमसे कोई 3 महीने का टाइम मांगा था, बट चूंकि वी वर ऑलरेडी गिवन 1 मंथ टाइम बाय द बॉस, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि जी हमें 24 घंटे ही काम करना पड़े तो वी आर रेडी टू वर्क, बट वी हैव टू मीट दिस टारगेट और हमें 1 महीने के अंदर अंदर इसको लॉन्चिंग करने पे जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, इट्स अ ग्लेड न्यूज, ग्लेड टाइडिंग फॉर अस कि आज हम नए दौर के तकाजे में दाखिल हो रहे हैं, जिससे उनकी अफादियत तो मिनिस्टर साहब खुद ही बता देंगे आपको कि जितना भी एनओसीज है, एनओसीज फॉर मॉर्गेज, एनओसीज फॉर रोड कटिंग, गैस और जितने एनओसीज आपको चाहिए होते वो आपको थ्रू डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन आपको सबमिट हो जाएंगे विद इन 24 आवर्स, किसी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितनी अफादियत थी उनको आज पाया तकमील का दिन आ चुका है, और मैं इस पर तमाम आने वाले मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी गुनागुन मसरूफियात में यहां तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी, और पर्टिकुलरली द बिजनेस कम्युनिटी जिनके मैं तहे दिल से मशकूर हूं कि उन ही की गाइडलाइंस पे और उनकी जो डिमांड्स थी कि इनको ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए, उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन है। तो ये हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और ख़ुशी का दिन है कि साइट लिमिटेड और समार इंडस्ट्री जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से इन्होंने आज लीड ले लिए अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ यूनुस डागा साहब।
मैं आप सबको बताना चाहूँ कि जी चूँकि आप सबको पता है साइट और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये वो दो इदारे हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने तमाम स्टेट्स को विज़िट किया है, जो उनके इश्यूज थे पर्टिकुलरली प्रोविजन ऑफ फायर टेंडर, एम्बुलेंसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज उनको और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स उनको लेके हम जा रहे हैं। कईयों के प्रपोजल्स सीएम साहब को भेज दिए हैं, मिनिस्टर साहब ने अपनी तरफ से प्रपोजल अप्रूव करके सीएम साहब को भेजा है, जिसमें हैदराबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम थी जिसमें 1 अरब 10 करोड़ की है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट साइट के लिए है, नूरियाबाद के लिए, सखर के लिए और हैदराबाद के लिए। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ट्रेड, इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और कॉमर्स एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और पावर्टी एलिवेट हो जाएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इवेंट बड़ा अच्छा है और मिनिस्टर साहब खुद ही हाईलाइट करेंगे उनके फीचर्स को। तो वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स जो आप तशरीफ़ लाए और हमें इज्जत बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रिक्वेस्ट करूंगा साइट एसोसिएशन के हवाले से मोहतरम जनाब कामरान आरबी साहब, प्रेसिडेंट साइट एसोसिएशन कराची, वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब आरबी साहब, आई रियली अप्रिशिएट बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय व्यूज टुडे हियर एट दिस इवेंट। आई रियली वाजंट एक्सपेक्टिंग इट, बट एनीवेज हियर वी आर। इट वुड नॉट बी inaccurate to say what we are witnessing here today is truly a historical moment. ke aaj hum ye keh sakte hain ki site limited jo hai ya sindh ki industries jo hain wo officially 21st century mein 21st sadi mein dakhil hone ja rahi hain, and it's a matter of a great honor for me to being the president of the site association to stand here and claim that this project that they have undertaken in I didn't know 62 days ka mujhe andaza tha ki shayad isse zyada laga hoga, but it is truly a remarkable achievement to have done that. But it would go a long way in resolving a lot of issues that a lot of allottees have across all sites in the province. Jaise pehle bhi inhone bataya ki duplicate allotments ka dusre tisre bade sare masail hote hain, kabhi association mein aaye to zyada aap logon ko pata chalega ki kya रोज़मर्रा के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन साइड कराची सर, आई ट्रूली कमेंड योर एफर्ट्स दागा साहब एंड रशीद सोलंकी साहब, दैट यू डन एन एक्सेलेंट जॉब, एंड इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी दैट द मिनिस्टर्स विजन इज टेकिंग फ्रूएशन। बट आई बिलीव इट इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप। जब भी ऐसे काम स्टार्ट होते हैं तो ऑफ कोर्स देयर आर प्लेंटी ऑफ हर्डल्स, बहुत सारे इश्यूज फेस होते हैं, बहुत सारी इम्पेडमेंट्स आती हैं, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर भी किया होगा। बट आई एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ साइट कराची दैट सर, वी आर विद यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, एंड वी विल बी विद यू एवरी स्टेप ऑफ द वे इन द सेम वे दैट यू हैव बीन देयर विद अस एवरी स्टेप ऑफ द वे। अब मैं जो बात करी ना कि एवरी देव बीन विद अस एवरी स्टेप ऑफ द वे, आई वुड लाइक टू एक्सपैंड ऑन दैट। जैसे अभी इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी इन्होंने फॉर्म करी, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो मिनिस्टर साहब ने फॉर्म की वो बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस अलोंग विद ऑल रेलेवेंट सिंध गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और बिठा के जो ना डे वन से हमें बिठा के और बड़े इनफॉर्मल अंदाज में दो दो घंटे, ढाई ढाई घंटे, तीन तीन घंटे भी हमारी मीटिंग चली हैं, और एक ही मीटिंग दो दो दिन के उस पर भी चली है, और बड़ी सारी चीज़ें इन्होंने इसमें हमारे इश्यूज जो हैं सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के जो दूसरे भी एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स यहाँ मौजूद हैं, दे विल टेस्टिफाई टू द फैक्ट कि बड़े सारे इशूज़ उन्होंने इन्हीं 3-4-5 मीटिंग्स में कवर करवा दिए। इसमें सबसे जो बड़ा मसला था वो पानी का जो इशू था, उन्होंने वाटर बोर्ड के MD को और रेलिवेंट ऑफिस होल्डर्स को जो है लाकर हमारे सामने बिठा दिया, और बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने रिजॉल्व भी करवा दी। इसके अलावा जितने रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, स्पेशली लेबर का, ये चाहे वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हों या फेडरल डिपार्टमेंट्स हों, दो इट डिडंट मैटर, जस्ट बिकॉज इज अ प्रोविंशियल मिनिस्टर डिडंट स्टॉप हिम फ्रॉम रीचिंग आउट टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड गेटिंग द रेलेवेंट फेडरल मिनिस्टर्स ऑन बोर्ड विद अस एंड ट्राई टू रिजॉल्व व्हाटएवर इश्यूज दैट वी हैड, व्हिच हैव बीन प्लेंटी बाय द वे। और इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट की सर्विसेज हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर, जो वेस्ट रिमूवल की सर्विसेज हैं सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में,
उसको दोबारा से स्ट्रीमलाइन कराया, स्पेशली साइट कराची के लिए. सर, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट द सर्विसेज हैव बीन रिज्यूम्ड. वन थिंग दैट रियली स्टूड आउट वाज हिज पुश फॉर अ वन विंडो सॉल्यूशन टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल इंडस्ट्रीज. उसमें लेबर डिपार्टमेंट का है तो जो है बहुत हद तक इन्होंने प्रोग्रेस भी करा लिया है कि हर लेबर डिपार्टमेंट के अंडर 5-6 अलहदा इंस्पेक्शन होते थे, बट दे हैव मेड श्योर कि अब एक चेकलिस्ट बना के एक ही के इंस्पेक्शन में सारों का काम हो जाएगा. बट जनरली वॉट आई वॉन्ट टू से इज दैट दे हैव गॉन आउट ऑफ द वे, बोथ द सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड द प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज गॉन आउट ऑफ द वे to ensure smooth operations of industries, thereby helping us contributing to the national economy. We cannot thank them enough for their positive approach, and which has actually been proven to be infectious. And we can see ke site limited ke MD tak bhi jo hai na wo pahunch gayi hai aur unme bhi jo hai na kafi phurti aa gayi hai aur site limited mein bhi cheeze behtri ki taraf gamzan hai. So in the end I would like to say that very thankful to the interim government for proving that where there is a will, there is a way. Thank you, sir. Assalamu alaikum. The first karunga mohtaram janab Shaheen Ilyas Sarwano sahab ko ke barah meharbani ko tashreef laaye aur apne khayalat ka izhar farmaye. Ulul Kareem janab Yunus Gadia sahab, janab Somro sahab, janab Zubair Motiwala sahab aur Rashid Solangi sahab aur stage pe baithe hue saathi aur hazirin, assalamu alaikum. Ek to sabse pehle to hum in dono hazrat ke shukr guzar hain कि इन्होंने जो वायदा हमसे किया था और जो टाइम उन्होंने लिया था उससे कम वक्त के अंदर उस चीज़ को, अपने उस वायदे को पूरा कर दिया और आज इन्होंने ये लॉन्चिंग की है. इसके साथ साथ ना सपाती होगी कि अगर मैं डालिया साहब के उस कॉपरेशन का और उस वलवले का, उस अज़म का इजहार यहाँ ना करूँ जो उन्होंने डे वन से लिया. वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में गए, मीटिंगें की और अपनियाँ भी उन्होंने मीटिंग पे दर पे की कि हम हैरान थे कि इतने गुज़िश्ता कई सालों से वास्ता रहा मुख्तलिफ मिनिस्टर से, मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से, लेकिन जिस अज़्म, जिस हौसले और जिस स्पीड के साथ डागिया साहब ने काम किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है. मेरी कुछ लाइंस तो कामरान ने पढ़ दी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं उसका ज़िक्र करूँ कि कितने उन्होंने ऑनलाइन अपने डिपार्टमेंट और दूसरी मिनिस्ट्रीज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, सेक्रेटरीज़ को, कंसर्न लोगों को बुलाया और हमारे मसाइल हल किए. ये एक इनकलाबी आज ये लॉन्चिंग है. मैं समझता हूँ कि ये, जैसा कामरान ने कहा कि ये पहला कदम है, हमें इससे बहुत आगे जाना है और पंजाब हमारे लिए मॉडल है कि पंजाब में इंडस्ट्री को जिस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, सिंध में भी इसी तरह हम समझते हैं कि काम होगा. और जब सिंध में काम होगा तो सिंध भी इंशाल्लाह ताला जिस तरह पंजाब की सनतों ने तरक्की की है, हम भी तरक्की करेंगे. आज मैं जब आ रहा था तो रास्ते में कई जगह लिखा हुआ था कि आवर विजन इज़ करप्शन. मैं ये समझता हूँ कि ये करप्शन फ्री सिम जो है ये उसकी तरफ पहला कदम है धारिया साहब ने किया है. मैं इनका बैकग्राउंड भी, क्योंकि ये बैकग्राउंड से भी ताजिर बराजी से ताल्लुक़ रखता है इनका ख़ानदान, तो इनको भी अंदाज़ा था कि क्या मुश्किलात होती हैं और क्या नहीं होती. मैं इस मौके से एक अर्ज़ करना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, कि हमारा इलाका में भी, हमारे इलाका भी तकरीबन 1600 एकड़ पर मुश्तमिल है और उसमें प्लॉट भी हैं और उसमें इंडस्ट्रियाँ लग भी रही हैं. इस वक्त तकरीबन 650 इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और बाकी जो हैं उसमें 100-150 इंडस्ट्रीज लग रही हैं. 1,00,000 मजदूर उसमें काम करता है. तो आप इस इलाके को, हमारे इलाके को मॉडल इलाका बनाइए, मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया बनाइए और उस पर इसी तरह तवज्जो दीजिए. जो भी अगर कोई भी कमेटी बने, कोई भी अगर कंपनी बने, तो उसमें मेरा ख्याल है हमारी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. हम समझते हैं कि अगर हम सच की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी तरफ भी. शुक्रिया. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब से कि बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करवाएं. मोहतरम जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब. चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. जनाब ऑनरेबल यूनुस डागा साहब, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज,
कॉमर्स एंड रेवेन्यू, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड हमारे कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट इफ्तिखार, साइट एसोसिएशन और तमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, फेडरेशन से सभी छुरा साहब, हमारे बड़े जो है ना हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं अल्ताफ मजीद अजीज साहब बैठे हैं, तनवीर साहब, एवरीबडी, सारे हमारे बिजनेस कम्यूनिटी के अरकान, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि ये आज जो है वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि रेड लेटर डे है, उर्दू में कहते हैं कि तारीखी मौका है। मैं समझता हूँ, ये मैं समझ नहीं सकता था जब यूनुस डागा साहब बात करते थे कि मैं इसको डिजिटलाइज कर दूंगा। मैंने कहा ये कैसे होगा पाकिस्तान में, जहाँ डिजिटलाइज करने नहीं करने के लिए लोग जो ना मेहनतें करते हैं, आप इसको करने के लिए मेहनत करते हैं, आप कैसे कामयाब होंगे। मैंने अल्लाह से दुआ की और यूनुस साहब को कहा, क्योंकि मैंने यूनुस साहब के साथ ज़्यादा बहस मैंने उनसे नहीं की, मैंने कहा ये कैसे करेंगे आप, लेकिन चूंकि मैंने काम किया हुआ है 2 साल यूनुस साहब के साथ, तो मुझे पता है कि जो नहीं होने वाली चीज़ है उसको करने में इनको बड़ा मज़ा आता है। ये ऐसे करते हैं कि ये नहीं हो रही, मैं करूँगा, इसको कैसे नहीं होगी। हाँ, शर्त उसकी एक होती है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, वो मुल्क के इंटरेस्ट में हो, मुल्क के मफाद में हो, बिजनेस कम्युनिटी के मफाद में हो, इकॉनमी के मफाद में हो, जिससे हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकें। जो ना ये उन्होंने ज़िंदगी भर ये किया, आज तक यही किया, और अब पाकिस्तान की कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो उन्होंने नहीं की। फाइनेंस सेक्रेटरी भी यही रहे, पावर के भी रहे, मतलब ऑल की पोस्ट के ऊपर उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, और जहाँ भी सर्विसेज दी उनका स्टाफ, उनके लोग, उनकी मिनिस्ट्री आज भी उनको याद करते हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, सर आपको बहुत ज़बरदस्त आपका सारी करियर रहा है आपका, और मैं समझता हूँ कि इंटीरियम गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे सही सिलेक्शन हुए हैं। इसमें जो है यूनुस डागा साहब का एक बहुत बड़ा नाम है जो इसके अंदर उन्होंने सेलेक्ट किया, और राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उमर सुमरू साहब इतने सालों से लॉ के लिए काम कर रहे हैं, वकील हैं, और इनको लॉ के लिए मुंतखब किया। बहुत सारे मैंने देखता हूँ फेडरल गवर्नमेंट में भी और यहाँ भी बड़े अच्छे सिलेक्शन हुए हैं, और इनको जो ना ये जो महदूद वक्त है, लेकिन इसमें जो कारकर्दगी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, और आज जो ये ई सर्विसेज का और डिजिटलाइजेशन का जो प्रोग्राम है जो आज ये दे रहे हैं, मैं समझता हूँ इंतहाई खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अब मैं तो ये कहूँगा कि आप सब लोगों को खड़े होकर अपलोड करना चाहिए उनको, यूनुस डागा साहब को और उनकी पूरी टीम को, कि प्लीज़ राइज एंड क्लैप फॉर यूनुस डागा साहब फॉर सच अ बिग अचीवमेंट जो उन्होंने आज की है। मैं इससे बड़ा काम कराची के लिए नहीं हो सकता। आज हम मैं आपको बताऊँ कि जब सुपर हाईवे के आप सिस्टम को देखते हैं, एक प्लॉट कम से कम 4 दफ़ा तो अलॉट हुआ है, कम से कम 4 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, किसी का प्लॉट किसके पास है, किसका किसके पास है, और सारी कोर्टों के अंदर सारे केस चल रहे हैं, और जो है ना ये कोई इसकी उसका चला गया, वो उसको दीवार नहीं बनाने देता, वहाँ कोई 50 गार्ड आ जाते हैं, वो कहते हैं जी कौन से आपके, एक नया सिस्टम शुरू है ना सर, एक मैंने नया देखा, मुझे बताया गया, वो ये है कि प्लॉट आपका है, मैंने उस पर किया कब्जा, उमर सुमरू साहब ने कहा नहीं ये तो मेरा है, और हम दोनों कोर्ट में पहुंच गए, केस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोर्ट की आपका प्लॉट है। एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, जहर किसी न किसी की फेवर में तो कोर्ट आएगा, तो उन्होंने सारे दोनों के जाली कागजात होते, एक आदमी विड्रॉ कर लेते, अच्छा जी ठीक है। अब वो यूनुस डागा साहब का प्लॉट तो गया, कोर्ट की सर्टिफिकेशन आ गई कि ये जो है उमर सुमरू साहब का है, जुबैर मोती वाला साहब ने गलत कब्जा किया था। अब इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता, अगर ये डिजिटलाइज हो जाए और क्लिक ऑफ अ बटन के ऊपर आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि आपका एहसान होगा पूरी कौम के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर, प्लॉट होल्डर्स के ऊपर, ये अगर हो जाए। और जिस एनओसीज की आप बात करते हैं, उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, आप यकीन करें। आप हमको जो है ना, अगर हमने रोड की खुदाई की एप्लीकेशन चाहिए, मैं SSGC के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कहते हैं जी ऐसा करो इतने रुपये चाहिए तो ये मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। अरे भाई SSGC के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, NOC मुझे दे दो, तुम्हारा इसमें कुछ चाहिए नहीं। ऐसे जिसी के आप किस के लिए भी अप्लाई करने जाएं, आपको NOC चाहिए, वो आपको वहाँ से मिलती नहीं। अब इंशाल्लाह ताला अगर ई सर्विसेज के अंदर अगर हमको मिल जाएगी NOC और बाय जस्ट बाय थ्रू ईमेल्स एंड थ्रू ई सर्विसेज, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। दिस इज इंडीड अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर बिजनेस कम्युनिटी ऑफ कराची, इट वेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर इसके साथ मेरी 2 गुजारिशात, नंबर 1 आपने इतना काम किया है, अब इसका जो मास्टर प्लान है उसको भी सर आप ठीक कर जाए। ये जो है ना ये बहुत जरूरी है कि मास्टर प्लान उस लोगों का, उन लोगों का नाम उसमें आ जाए जो ओरिजिनल अलॉटी थे, यानी अब जो नए बने हैं उसके अंदर, जैसे सुपर हाईवे या कोई उसमें ओरिजिनल अलॉटीज थे, फिर इसके बाद किसी ने बेचा, किसी ने लिया,
दो हाथ घूमे चार हाथ घूमे, लेकिन ओरिजिनल अलॉटी जो है ना उसका नाम जो है ना अगर मास्टर प्लान में होगा तो आई थिंक ये बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा और इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब आप ओरिजिनल अलॉटी डालेंगे तो तीनों हाथों चार हाथ जो चेंज हुए हैं वो आपको सामने आ जाएंगे। इसमें दो हाथ ऐसे नजर आएंगे जो कभी चेंज कंप्यूटर में नहीं होंगे लेकिन हुए हैं, तो ये जो है ना ये चीज़ें आ जाएंगी। नंबर टू सर, ये जो है ना ये जो सर्विसेज हैं इसको आप इंश्योर कर जाएं कि आपकी जो कैबिनेट है वो उसको पास कर दे, वो एक एक्ट बन जाए और जो है ना इसको कोई आगने वाला कोई वक्त जो है उसको ये दोबारा ख़राब ना कर सके, ये बहुत ज़रूरी है सर। ये दो चीज़ें मेरी गुजारिशात हैं। एक बार फिर मैं आपको अपनी जानिब से भी, कराची चैम्बर सारे बिजनेस कम्यूनिटी की जानिब से मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह आपको सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे और लंबी उम्र दे और पाकिस्तान की जिस तरह से आप खिदमत करते हैं जिस जगह पे भी आप बैठ के करते हैं अल्लाह आपको इसकी खिदमत की तौफीक जारी और सारी रखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब ज़ियाउर रहमान साहब को, प्रेसिडेंट दुरियाबाद एसोसिएशन, वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नामोदनसलीम अम्माबाद फौजबिल्लाशरफ़ीम। हमारा सिंध अगर पीछे जा रहा है, नूरियाबाद पीछे जा रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो प्लाटों की डुप्लीकेशन अलाटमेंट जिस पर जेन्युइन इंडस्ट्रियल काम करना चाहते थे वहाँ पे फर्जी और रेत प्लाटी वाले जो काम करते थे, जो दो नंबर काम करते थे, उनको आगे खड़ा करके जेन्युइन इंडस्ट्रियल को वहाँ से भगाया गया और मुल्क और कौम और सिंध के साथ ज्यादती की गई। रवि वाला हमारे पास आज वो अल्फाज नहीं है, शायद हम डिक्शनरी देखने जाएं तो शायद मेरे जाती व्यू है और मेरे मेम्बरान का नूरियाबाद का कि हम अल्फाज का चुनाव ना कर सकें जो आपने ये कदम और आपकी टीम ने उठाया है। सबसे पहले आपने जो पहला कदम उठाया, मैं दो मिनट लूँगा ज़्यादा नहीं, कि आपने एक लोकल साइट की कमेटी बनाई और उसमें जो जेन्युइन वहाँ के निश्चित लोग थे उनको रखा। उसके बाद फिर आपने डिवीजन लेवल की कमेटी बनाई, उसमें भी आपने जो जेन्युइन लोग थे उनको रखा और साथ गवर्नमेंट ऑफ जितने ऑफिसर हैं बैकलेट को उसमें शामिल किया। फिर आपने एक सिंध लेवल की कमेटी बनाई और उसका आज रिजल्ट है कि जो दो नंबर लोग हैं वो छुपते फिर रहे हैं। और इसके ऊपर सही मायने में जो आपकी काशें हैं आने वाला वक्त भी इस पर चलता रहा और आप जैसे मोती वाला ने फरमाया मैं उसके एंडोर्स करता हूँ कि इन जितने कामों को आपने कैबिनेट में पास करवा दिया तो कोई माइका लाने वाला इसको चैलेंज नहीं कर सकेगा, ख़त्म नहीं कर सकेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने आपने भी ये कदम उठाए हैं मुल्क और कौम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ सोने की लाइनों से लिखने वाला अमल है, तो इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए आप यहाँ पे अपने कैबिनेट में ज़रूर पास कराएं। सर आपने हमें फैट टेंडर दिया, बेहद मशहूर हैं। नूरियाबाद में 200 साल से हमारा फैट टेंडर नहीं था, शक्ति सर एम डी साहब आपकी मदद से हमें फैट टेंडर मिला। हम आपके मंजर हैं कि आपके हाथ से उसकी एनोवेशन कराएँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द आप वहाँ तशरीफ लाएंगे। दूसरा सर कंप्यूटराइज कर रहे हैं, ये छुपा हुआ निज़ाम नहीं है, ये काबिल तारीफ है। मास्टर प्लान सर इसकी बहुत बड़ी की है, मास्टर प्लान इसकी बहुत बड़ी की है कि कंप्यूटराइज जो करने जा रहे हैं। अगर हम इस मास्टर प्लान में ओरिजिनल राठी के साथ और नंबर के साथ रोड के साथ लेफ्ट राइट शुमाल जनूब के साथ इसके अंदर हम डिटाइल में इसमें एंट्री कर सके तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ऐसा इंतजाम होगा इंडस्ट्री के लिए। दूसरा सर इस वक्त जो हालात है उसको सर शेयर करना चाहता हूँ दो मिनट के लिए कि हमारे साथ गैस की बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और वो आपके इलम में भी है, हमने बहुत हाई लेवल तक उठाया है लेकिन शायद हमारी सुनाई नहीं हो रही, हमसे ज्यादती हो रही है सिंध वालों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, लेकिन इसका एक हालत हमारे नज़दीक है वो हम लड़ते रहेंगे और आप हमारी इंशाल्लाह ज़रूर इसमें कॉपरेशन करेंगे, हमारा जायज लीगल राइट है। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे नूरियाबाद और घारों से लेके कोटकी तक अल्लाह ताला ने हमें एक और नेमत दी है, विंड कॉरिडोर है, हम उधर लड़ते रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध
और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से वहाँ प्रोजेक्ट लगाया जाए ताकि हम इंडस्ट्रीज को कम टैरिफ में बिजली सप्लाई कर सकें। ये एक अल्टरनेट है गैस का, तो सर इसके ऊपर आप जल्द अज जल्द जितना मुमकिन काम करें। और लास्ट में मैंने आपको बोला था कि जो लोग इंडिविजुअल विंड पावर लगाना चाहते हैं उनको एमएसपी दें, और जो लोग अभी सोलर पे अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं उनको 1 मेगावाट से 5 मेगावाट तक इजाज़त दी जाए ई मीटरिंग की। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं चाहता। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, हम सब का हामी और नासिर हो, और हम ये देखें अपनी ज़िंदगी में कि आपके जो उठाए हुए इकदाम इस मुल्क और कौम के लिए कितने असर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब यूनुस साहब, मैंने देखा कि जब यहाँ आए थे हर बंदे के पास 3-3, 4-4 पेज थे कि हमने अपने मसाइल यहाँ पर पेश करने हैं, लेकिन जो आपकी काबिशें जो आपकी स्ट्रगल हमने देखी है, यकीन करें कि ये कोई सिस्टम आपने नहीं बनाया। मैं आपके साइट के कल परसों हेड ऑफिस में गया हुआ था तो एम डी साहब से भी मुलाकात हुई, तो आपके जो स्टाफ जूनियर स्टाफ थे यकीन करें कि वो मतलब मैं समझ रहा था कि भाई ये उन्होंने कहा कि हम दिन रात बैठ के हमने ये सिस्टम बनाया है। एक्चुअली बात माइंडसेट की होती है, लीडरशिप की होती है। आपने ये जिहाद किया है हमारे हिसाब से, यकीन करें कि जो इस वक्त ख़ास तौर पे सिंध की सनतों के साथ हो रहा है, जिसमें हमें हमेशा पाकिस्तान बनने से लेके आज तक हमें थोड़ी बहुत प्रायोरिटी ये होती थी कि सिंध के वसाइल जो है 70% जो है वसाइल हैं सिंध से, हमारी गैस का हो गया या रेवेन्यू हो गया तो वो निकलते थे, तो हमें वो प्रायोरिटी होती थी कि एक तरफ तो हम उधर से जंग लड़ते थे, दूसरी तरफ आपके जो मेंटल करप्शन के साथ जो जो लोगों की मेंटल करप्शन, एक फिजिकल करप्शन मॉनेटरी, दूसरी मेंटल करप्शन, एक पेपर लेने के लिए एक एंडसोनी लेने के लिए 10 चक्कर लगाना पड़ता था, और हम बड़ी हमारी ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह हमसे ये लिफाफा खुशी से ले लें, क्योंकि वो हमें उस लेवल तक लाना चाहता था। हमें ऐसा लगता था जैसे हम पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जब बहुत बड़े क्रिमिनल लोग हैं हम लोग। तो ये जो आपका इकदाम है, मेरी दुआ है जैसे जुबैर मोहतीन वाले साहब ने कहा, रिया साहब ने भी, बाकी दोस्तों ने, इसका कानून पास कराएं, क्योंकि असम्बली इस वक्त मौजूद नहीं है। जो अपना सोमो साहब बैठे हैं वो बेहतर समझते हैं कि किसी तरीके से कानून पास हो जाए, ताकि फिर इंटरिम गवर्नमेंट जाने के बाद फिर कोई सिग्नल प्रॉब्लम ना आए, सिस्टम के प्रॉब्लम ना आए, फिर हम धक्के खाते रहें। एक तो ये, दूसरा सर मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उस पर अपना सीएम साहब हैदराबाद आए थे, वहाँ पे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि गैस के ऊपर इस वक्त हमेशा से हमारे पाकिस्तान में जितने भी रेट थे गैस के, सिंध के चूँकि यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रही थी, स्पेशली आपके इंटीरियर सिंध में 70% गैस हमारी सिंध से निकलती है और कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। आप अगर पिछले 10 सालों में आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखें, पंजाब कितना आगे गया और हमारा सिंध, देखिए पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा दिल है, कराची भी हमारा दिल है, बलूचिस्तान भी और आपका सरहद भी, सबके हाथ का है इस पर, लेकिन हमेशा से सब्सिडी दी जाती थी सिंध को, चूँकि यहाँ से वो होते इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, एक जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, उसके बाद अभी जो आज से 1 साल पहले हम 1000 रुपया दे रहे थे, आज हमने उसके 3 गुना पे 1 साल के अंदर 3 गुना रेट बढ़े हैं। और मैं आपको बड़े वसूख और गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर ये हाल रहा तो सिंध में इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सिंध में इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि सिंध के सनतकार जो फेस कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारे यहाँ जावेद बलवानी साहब भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बड़ा जिहाद किया वहाँ जाके, हमारे दूसरे बिजनेस लीडर भी, एप्मा के लोग जो हमारे लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बिल्कुल उन्होंने ठान लिए कि हमने सुनना ही नहीं है, ये 100% से इंडस्ट्री को बंद करने की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद जो आपके पाकिस्तान में और सिंध में जो वर्कर की जॉब का मसला होगा, लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, तो मेहरबानी करके इस इश्यू को उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नाम शब्बीर मंशा छोरा साहब से, जो कि वो पूरे पाकिस्तान के अपेक्स बॉडी को लीड कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ बच्चों पर सर तशरीफ लाएं और अपने ख्याल का इजहार करूँ। मोहतरम जनाब मंशा छोरा साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर
निकासी है आप वाला मसला सर। सर ये सीवरेज और पानी दोनों का बहुत सीरियस मसला है और हमारी ज़्यादातर गुफ्तगू जो हुई है वो कराची बेस्ड ही हुई है और कराची चूँकि एक बहुत बड़ा हमारा प्राइम मामला है, हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसके अलावा बाकी सिंध भी हमारा सिंध है सर। और हमारी ख्वाहिश ये है चाहे वो लाड़काना हो चाहे वो दादू हो, आपकी अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं सखर में हो या एल्सवेयर हो सर, उस पर भी तवज्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है सर। सर दो तीन सिफारिशात थी क्योंकि इसमें मेरे पास तो बहुत सारा लिख के दिया गया था, लेकिन एक तो सर नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बहुत ज़रूरत है और उस नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सर मुमकिन नहीं है कि 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ का प्लॉट लेके कोई कामयाब इंडस्ट्री लगा सके और 4 एकड़ की लगा के और वो कामयाब कर सके सर। एक मेरे बहुत सारे कुलीग साथी शायद इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज़ को पसंद भी नहीं करेंगे कि सर ये जो आप अलॉटमेंट करते हैं वो उनके लिए मखसूस की जाए कि जो इंडस्ट्री लगाएं, सर ये ट्रेडिंग स्टेट ना मनाई जाए सर, क्योंकि यहाँ एक रिवायत ये बन गई है कि हम बुक कर देते हैं और उसके बाद ये रिवायती तौर पे फिर वो 10-20 साल बाद उसकी कीमतें बेशुमार बढ़ जाती हैं। इसके लिए सर कानून साजी होनी चाहिए, अगर मैं कोई गाड़ियों का प्लांट कोई लगाना चाहता है या कोई और लगाना चाहता है वो इंस्टेंटली सर कर सके कि इसके अंदर ये ट्रेडिंग का कारोबार बंद करना चाहिए सर। सर दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे बाकी जो मसाइल हैं, क्योंकि आप बिजली का और पानी का भी महकमा खुद देखते रहे हैं और आपसे ज़्यादा कम लोग जानते हैं, हमारे मुल्क का बहुत सारे मसाइल इंटरलिंक्ड हैं और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हमारे बिजली और गैस और दीगर मसाइल का भी हल है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट का जो इशू है वो सारा का सारा इंटरलिंक होकर चलता है। तो बातें तो सर और भी बहुत सारी थी, लेकिन सर रेस्ट ऑफ द सिंध पे भी सर प्लीज़ तवज्जो दें। थैंक यू डागा साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आप हमारे पास 4 दफ़ा तशरीफ़ लाए हैदराबाद कहने के हमारे कहने पर। मैं आपको बता दूं सर, कायम अली शाह के बाद हैदराबाद में हमारे पास कोई सीएम नहीं आया, पहली मरतबा चीफ जस्टिस अपना मकबूल बाकर साहब हमारे पास आए। 22 साल से हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज तमाम सेक्रेटरीज, तमाम चीफ सेक्रेटरीज, तमाम मिनिस्टर्स, तमाम सीएम्स को लेटर लिख लिख के थक गए, लेकिन आज तक हमें किसी ने जवाब नहीं दिया। एक लेटर का जवाब अब्दुल्ला शाह ने दिया और एक लेटर का जवाब हमें मुराद अली शाह ने दिया और तीसरे लेटर का जवाब हमें यूनुस डागा साहब ने दिया, जिन्होंने आकर हैदराबाद की, क्योंकि हैदराबाद मुझे लगता है, हमें महसूस होता है कि हैदराबाद और अंदरून सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जो भी मीटिंग होती है, जो भी सिलेक्शन होता है, चाहे वो केयर टेकर सेटअप का हो, चाहे कोई कमेटी बनती है फेडरल लेवल पर या सूबाई लेवल पर, कराची के बाद हैदराबाद सक्खर लाड़काना में आपको कहीं भी किसी भी बिज़नेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव की नुमाइंदगी नज़र नहीं आती है। सर इस पर भी आप देखें, आज आपका दिन है, आपने बड़े तारीखी स्टेप उठाए हैं, बहुत अच्छे उठाए हैं। दूसरी सर ये है कि हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सिंध गवर्नमेंट ने जाते जाते 1100 मिलियन हमारे पास किए थे, उमर सुमरो साहब आपके साथ बैठे हुए हैं सर, कोई हल निकालें इसका, क्या क्योंकि हैदराबाद साइड इंडस्ट्रीज का हाल बहुत बुरा है, अगर कुछ डेवलपमेंट हुई है तो सर आपके आने से हुई है, जिसमें आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी, वॉक्स कमेटी बना दी, लेकिन सर फंड के बगैर जो है वो अधूरी है सर। और सेक्रेटरी इंडस्ट्री 7 टाइम विजिट करके, यूनुस डागा साहब 4 दफ़ा विजिट करके गए, तो सैटरडे तो सर ये दूसरी चीज़ है। और मैं आज यहाँ बैठे हुए SMBR को देख के बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ किताबों में SMBR नज़र आते हैं, आज अब्बासी साहब को यहाँ देख के बड़ी खुशी हो रही है। हम चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और SMBR सिंध गवर्नमेंट का फेस होते हैं और ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सर ये बड़े इम्पॉर्टेंट ब्यूरोक्रेसी हमारे लिए होती है, लेकिन हम चाहेंगे कि सर जिस तरीके से केयर टेकर मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इतनी ज़िम्मेदार हो जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन AK Memon साहब ने जो है ना वो मेरे पीछे आके मुझे कह दिया है। बहरहाल डागा साहब थैंक यू वेरी मच, आपके तमाम इकदाम को हम सराहते हैं,
लेकिन आपने जो आके हमें हैदराबाद और उन्होंने सिंध को पाकिस्तान के नक्शे पर ले आए, इसका आपका शुक्रिया। और आप अब ये जो 55 दिन रह गए आपके, हमारे हिसाब से ये 55 दिन नहीं हैं, हमारे लिए 55 साल हैं। क्योंकि आप जैसे अगर मिनिस्टर रहेंगे और जिस तरीके से हमारा काम हो रहा है वो होता रहे, अगर अभी एक्ट नहीं बन सकता तो सर कोई ऑर्डिनेंस निकाल लें, उमर सुनो साहब की हल निकाल लें कि जो काम इस वक्त कॉमर्स मिनिस्ट्री करने जा रही है उसको पेपर पर लिया जाए। थैंक यू वेरी मच। मोहतरम जनाब यूनुस ढाका साहब, मौजूद सूबाई वजीरत रेवेन्यू सैद रेवेन्यू व तजारत, जनाब अब्दुल रशीद सोलंगी साहब, जनाब गजनफर अली कादरी साहब और मौजूद मेम्बरान, अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद सूबाई वजीर जनाब यूनुस ढाका साहब का इंतहाई मशहूर हूँ कि इन्होंने आज ये तकरीब मुनक़द की और तमाम स्टेक होल्डर्स को यहाँ मदऊ किया। और ये बात मैं बहुत फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि जनाब यूनुस ढाका साहब ने अपने कलमदान संभालते ही अपने डिपार्टमेंट खासकर सनत के मसाइल को पहले ही दिन से हल करने की जद्दोजहद की इब्तिदा की। और इन्होंने कोटरी सनती जून को फायर टेंडर फ्राम किए जो कि पिछले 10 साल से कोटरी साइट में मौजूद नहीं थी, और मुतअद्दिद बार सनतों में हादसात की सूरत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। अलावा दी आपने फौरी तौर पर सिंध के तमाम साइट्स में वर्ष कमेटियाँ तश्कील दी और एसोसिएशंस के अहदेदारान को इन कमेटियों में शामिल किया और तमाम तरक्याती काम वर्क कमेटी के ज़रिए करवाने की हिदायत जारी की। आज की तकरीब ई सर्विस के हवाले से मुनक्किद की गई है। साइट और सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने का आगाज़ किया जा रहा है, वो भी यूनुस ढाका साहब की काविशों का समर है और हमें उम्मीद है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ अब्दुल रशीद सोलंगी, मैनेजिंग डायरेक्टर लिमिटेड गजनफर अली कादरी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने रात दिन मेहनत करके इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। और इनकी जिस तरह से इन्होंने हमें इम्पोर्टेंस दी है और जिस तरह से इन्होंने हमें अटेंड किया है, हमारी प्रॉब्लम्स को अटेंड किया है, उसका मैं नहायत मशहूर हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। तशरीफ फरमा है मिनिस्टर ऑफ लॉ, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मारूफ मुमताज खानम का तशरीफ लाएं और अपने ख्याल का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह खातम नबीन ढाका साहब, सोलंगी साहब, आपकी टीम, अहमद शाह साहब, डायरेक्टर साहब, सनतकार ताजिर बिलवानी साहब, अगर साहब और भी लोग हैं यहाँ जो लीड कर रहे हैं वेरियस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को, बड़ी खुशी होती है कि ढाका साहब के इस अहम कदम के बाद एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है और उम्मीद है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे औकाफ और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं लैंड रेवेन्यू के, वो ये कदम उठाएंगे। क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम है फ्रॉम अ वकील्स पॉइंट ऑफ व्यू और एक कानूनदान के नुक्ते नज़र से, वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है हुकूमत की डीलिंग, और जो ताजर हैं, जो कॉमन सिटीज़न है, वो शिकायत करता है कि समरीज जो एक बार अप्रूव भी होती हैं, पॉलिसी जो एक बार कैबिनेट अप्रूव कर देती है उसके बाद कोई अमल नहीं होता, फाइलें फंस जाती हैं, लाखों रुपए का पेट्रोल और वक्त ज़ाया होता है सेक्रेटेरिएट्स में चक्कर मार मार के, जूते घिसा घिसा के। उम्मीद है कि आपके इस स्टेप से, इस डाउनलोडिंग और इस एप्लीकेशन से, जिस तरह हम इस ग्लास के थ्रू देख रहे हैं, एक किस्म की ट्रांसपेरेंसी आएगी इन द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। पहले बात कर रहे थे हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदे के 5 साल में कोई नहीं आया, लेकिन मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब और वेरियस नुमाइंदे सिंध गवर्नमेंट के 7 बार आ चुके हैं। तो हमें बार बार मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर याद दिलाते हैं सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट का, जिसमें हम केयर टेकर्स को अपनी औकात दिखाई जाती है कि वी आर हेयर फॉर डे टू डे रूटीन बिजनेस और हमें काम करना है। जितने रोबस्ट तरीके से ढाका साहब ने काम किया है, मेरा ख्याल है सिंध में एक रेलगाड़ी ढाका तेज़गाम के नाम से होनी चाहिए। हम काम कर रहे हैं एक सर्कुलर रेलवे पे, परहैप्स वी कैन नेम इट आफ्टर यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरम जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर अहमद शाह साहब, ये तो हालत बहुत है, मजबूत हो गए हो। अस्सलाम वालेकुम यूनुस ढाका साहब, बहुत मेहरबानी आपने इन्वाइट किया, उमर सुमरो साहब
शाहीन भाई, सारे हमारे बिजनेस लीडर सामने भी जितने बैठे, मजीद अजीज से लेकर जावेद बलवानी तक सभी दोस्त हैं, पुराने मेहरबान हैं। और डागा साहब को तो खैर मैं बहुत पुराने ज़माने से जानता हूँ और ये आर्ट्स काउंसिल के मेंबर हैं जैसे आप सारे हैं, और एक डायनेमिक आदमी है। कराची में भी बहुत ज़माना रहे, कई जिलों के सिंध में डिप्टी कमिश्नर रहे, फिर जीबी में जब चीफ सेक्रेटरी थे तो जीबी की सारी रिफॉर्म्स इनके दौर की हैं, वहाँ के फाइनेंस को जिस तरह स्ट्रीमलाइन किया। हमारी चूँकि दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा है, और फिर वाटर एंड पावर में जब ये सेक्रेटरी थे तो नज़र आता था वाटर एंड पावर में क्या हो रहा है, फिर जब ये फाइनेंस में आ गए तो पहले भी नज़र आता था, और फिर जब रिज़ाइन करके निकले तो फिर और नज़र आया कि कोई आदमी ग्रेड 22 का सीनियर अफसर अपने असूलों की खातिर या नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अपने 22 ग्रेड का कैरियर छोड़ के बाहर निकल सकता, तो इस पर तो भरपूर क्लैप होनी चाहिए, नॉट एज मिनिस्टर इंडस्ट्री और मिनिस्टर रेवेन्यू। और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान का मफाद हमेशा अजीज रखा, और मैं हैरान हूँ कि ये मेमन भी हैं साथ साथ, हैं भाई मजीद अजीज साहब, तो मैंने कहा यार ये मेमन भी इतना अच्छा हो सकता है, यार ये मजाक कर रहा हूँ, मैं नाराज नहीं होना। मजीद अजीज के जो वालिद थे ना सर, आपको पता है कि हर बड़ा शायर अदीब फनकार मेहदी हसन खान इनके घर में गाना गाते थे, मुसव्वरी का उन्हें पता था, तो पहले भी ऐसे मेहमान होते थे यहाँ। फिर सैयद अहमद दाऊद, अहमद दाऊद इतने बड़े आदमी थे कि इतने, फिर जितने आपने देखा फलाई अदारे कायम किए, इन्होंने हमेशा वैसे कोशिश की, आपको मैं मेहमान नहीं बना रहा फिलहाल, आपको एक डायनेमिक, एक ऐसा ब्यूरोक्रेट के जो ICS में ट्रेनिंग हुई थी, बाद में CSS और PS बन गया, वो तो ये थी कि गोरा जाते हुए अपना काला अंग्रेज छोड़ गया था कि जिसका रंग तो काला होगा लेकिन उसके नॉर्म्स और वैल्यूज गोरे वाले होंगे, और वो लोगों पे रूल करेगा यानी हुक्मरान होगा। ये सिस्टम गोरे ने हुक्मरानी के लिए अपने ज़माने में बनाया था, लेकिन बुनियादी तौर पे जाहिर है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, बुनियादी तौर पे अब तो जो अगर मैं वजीर भी हो गया हूँ तो हम हैं तो पब्लिक सर्वेंट, और हम सारे के सारे जवाबदेह हैं टू द पीपल ऑफ दिस प्रोविंस, टू द मीडिया। आपने देखा होगा एक अनहोनी चीज़ मैंने शुरू किया, मैं तो अभी आया हूँ, मैं रोज़ एक वजीर को साथ बिठाता हूँ और जर्नलिस्टों से कहता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछो, उमर बैठे उमर से उमरो, जुनैद शाह, एजुकेशन वाली डॉक्टर आना, ब्रिगेडियर हमारे हारिस, और अब मैं इनसे चार दिन पहले मैंने कहा था कि ये सारा काम मीडिया के सामने भी हाईलाइट आना चाहिए। और बेसिकली बात यह है डागा साहब कि ये मेरी भी जो इतनी इज्जत करते हैं मोहब्बत सभी, उसकी वजह ये कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की है, 3 एकड़ की एक जगह को पूरे पाकिस्तान का सकाफती मरकज और पूरी दुनिया में लेके चले, तो बुनियादी चीज़ ये नहीं होती कि आप ट्रबल शूटिंग करते रहें, इसको पकड़ लिया, इसको छुड़ा दो, इसको अंदर कर, बुनियादी चीज़ होती है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। तो अभी मुख्तसर से अरसे में डागा साहब ने आके जिस तरह से एक लॉन्ग टर्म, लेकिन अब तो ज़माना कहीं और चला गया, मैं तो लंबी नहीं कर रहा, मैं 20-25 साल पहले अमेरिका गया तो मैंने जिस एयरलाइन से टिकट खरीदी थी, मेरे दोस्तों ने कहा 4 दिन और रुक जाओ, मैंने उनको फ़ोन मिलाया और मैंने कहा कि आपका दफ्तर कहाँ है, तो उन्होंने कहा आपको मैं दफ्तर क्या करना है, तो मैंने कहा मैं आके अपनी टिकट चेंज कराऊंगा, तो उन्होंने कहा यू डोंट नीड टू डू दैट, आप अपना ये निकालें, इस हेल्पलाइन पर जाएँ, टक 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 कर गया, जब मैं एयरपोर्ट पर पहुँचा तो वो मेरे हाथ में था। तो ये 25 साल पहले दुनिया भर में हो रहा था जिसके बारे में अभी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, पूरी दुनिया इस पर चली गई है। तो बहरहाल जाहिर है कि हम लोगों के जो भी हम बैठे हैं कोई उस तरह के पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा तो एक ही फोकस है कि जो सिस्टम में चीज़ें बेहतर कर सकते हैं वो कर लें, लॉ में जैसे उमर कर रहे हैं कोशिश, मेरे पास चूँकि इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे पास दो अपेरेंटली छोटे डिपार्टमेंट हैं लेकिन मेरे दिल के ज़्यादा करीब है, क्योंकि मजीद अजीज में कभी भी आप लोगों का नुमाइंदा नहीं रहा, मैं इस मुल्क के सप्रेस और पुअर लोगों का नुमाइंदा रहा, तो वो मिनिस्ट्रियाँ मेरे पास हैं जिसमें मैं ज़्यादा खुश हूँ, और वो है सोशल प्रोटेक्शन और माइनॉरिटी, जिसके अंदर जो है आप
अल्लाह को भी राजी कर सकते हो और अपने ज़मीर को भी मुतमैन कर सकते, उस पर भी हम खासा काम कर रहे हैं उमर के साथ मिलके कुछ लॉज, क्योंकि मुझे तो माइनॉरिटी के लफ्ज़ से भी नफरत है। अगर इस मुल्क में जितने शहरी रहते हैं वो इस मुल्क के शहरी हैं ना, इवन दिस वर्ड माइनॉरिटी इज हाँ डिस्क्रिमिनेशन, बट ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होंगी और हमारी हमारे जस्टिस साहब की क़यादत में हम जो भी हैं हम कोशिश तो कर रहे हैं। मैं नया आया हूँ, मेरा बुनियादी काम इन ये जो हमारे कैबिनेट है और उसके सेक्रेटरीज हैं ये जो भी पॉजिटिव काम कर रहे हैं उसको हाईलाइट करना भी है, और उसके साथ साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो ओपन मीडिया के साथ आ जाए। उसके अलावा फिर वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक तमाम ऐसे अदारे जो पब्लिक सेक्टर को डील करते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल, इंशाल्लाह उनको भी लेके आऊँगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ यूनुस डागा साहब का, रशीद सोलंगी साहब का, आप सबका कि आप मेहरबानी से आप मेरे हमेशा से मेहरबान रहें। PITB मिनिस्टर जो के आज मिस साइमा शेख साहबा जो के डायरेक्टर जनरल हैं PITB की, डायरेक्टर जनरल PITB It's great pleasure and honor for Punjab and Coalition Emerge Group to be an integral part in laying the foundations of a new era of e-governance. We are just launching a new system, we are launching a concept where efficiency and convenience would be provided to the citizens and the business community, and promoting transparency at all levels in delivering the services to the citizens and business community. This has all been possible just because of the able leadership and vision of Yunus Daga Saab, continuous support and commitment from Secretary Industries Nangi Saab, Secretary Board of Revenue Girish Saab, MD Sidhant, MD Sisik and their teams. And last but not the least, 24/7 support of my own team. So we are very grateful for the government of Sindh to provide us with this concept and possibility to support your government. Thank you, sir. Thank you so much. इंडस्ट्रीज कॉमर्स के हवाले से एक ऐसी काबिल एहतराम शख्सियत कि जिन्होंने हमेशा से अपनी बड़ी भरपूर ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी, अपने ब्यूरोक्रेसी के ज़माने से लेकर इन्होंने शानदार तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए एज ए अपने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और साथ ही साथ आप फेडरल सेक्रेटरी के अहदों पर भी फाइज रहे, लेकिन जहाँ पर भी आप गए आपने नेक नामी के साथ अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया जो कि मॉडल प्राइम मिनिस्टर साहब ने शिकार चुके हैं। मेरी बस आपसे तीन रिक्वेस्ट है, इतनी पुरजोर तालियां बजाइएगा इनकी जबरदस्त एक नामी के हवाले से जिन्होंने वाकई में अपनी शानदार तरीके से खिदमत सर अंजाम दी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोहतरम जनाब यूनुस डागा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अहमद शाह साहब, मोहतरम उमर सुगर साहब, तमाम एसोसिएशंस के अहदेदारान, मेरी अपनी टीम के मेंबरान, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी इंडस्ट्री और तमाम अफसरान, अस्सलाम वालेकुम। मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करूं कि जो आज के दिन एक ख्वाब पूरा हुआ यकीनन भी आसान नहीं था, और आज मैं आपने बहुत सारी इस प्रोग्राम के बारे में बातें सुनी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जिसको कहते हैं 62 डेज की जर्नी है कि जब से हमने इसका बैठ के ख्वाब देखा, हमने बैठ के डिस्कशन की, और आज का दिन जब कि हम इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। चैलेंजेस जैसे आपको पता है कि कई होते हैं और ये तमाम सरकारी इदारों में होते हैं, ये कोई नई बात नहीं थी जो कि हम देख रहे थे, लेकिन एक केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए लोगों की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हो चुकी थी, लोगों का ख्याल था कि हम इधर कोई बेहतरी करके जाएंगे। तो चैलेंजेस का जो सामना था हमें, सबसे बड़ा रेवेन्यू में भी ये मसला और यहाँ पे भी ये मसला इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में,
कि लैंड रिकॉर्ड की लोगों की जो मिल्कियतें हैं, लोगों की जो असेट्स हैं, उसकी कोई सेंटिटी नहीं थी। बस जो हमारे रिकॉर्ड थे वो इंडिविजुअल्स के कस्टडी में होते थे, जिनकी मर्जी से, जैसे बहुत से लोगों ने आज बात की कि डुप्लीकेट अलॉटमेंट्स हो जाती थी और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, कोर्टों में बेशुमार ऐसे केसेस हैं। इसी तरह सर्विसेज, जैसे कहा कि हमारे शायद कुटरी वाले प्रेसिडेंट साहब ने बताया है कि बावजूद ये कि जायज़ काम होता था, लेकिन वो काम करने वाले की मर्जी के ऊपर होता था वो कितना उसमें टाइम लगा दें, तो किसी का काम दो दिन में हो जाता था, किसी का काम महीनों तक नहीं होता था। करप्शन डेफिनेटली कि एक रेट मुकर था हर चीज़ का कि किस तरह कितने पैसों में कितना काम होगा, और फिर और हाई रेट के बाद जैसे इन्होंने कहा कि जब हम लिफाफे लेके भी घूमते थे तो काम नहीं होता था। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस थे जो केयर टेकर गवर्नमेंट के पास होते हैं, या तो हम कहते हैं कि जी हम केयर टेकर हैं, सिर्फ टेक केयर करें थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद जो मुंतखब नुमाइंदा हैं उनके हवाले करके चले जाएँ, किसी किस्म का हम कोई कंट्रोवर्सी में ना पड़े, एक रिलैक्स टाइम गुजारें, दो तीन महीने की बात है, अब ये सारे मसले अपने सर पर पालने की क्या ज़रूरत है। तो एक ये ऑप्शन था हमारे पास। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम एक एंटी करप्शन कैंपेन चलाएं, इंक्वायरियाँ करें, फाइलें निकालें, किसने क्या गलत काम किया इसको ठीक करें। यकीनन तीन महीने के मुख्तसर, चार महीने के मुख्तसर से भी हो नहीं सकता, और माशाल्लाह जिस तरह की हमारी अदालतें, माफ़ी चाहता हूँ उमर साहब, हमने सिर्फ ट्रांसफ़र किए कुछ लोग, और इसलिए ट्रांसफ़र किए कि वो हमें रिकॉर्ड नहीं दे रहे थे, हमने जो बेड़ा उठाया कि हम डिजिटाइजेशन करेंगे तो रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे थे, हमने ट्रांसफ़र किया उनको कि जी दूसरा आदमी आके शायद काम करेगा, तो ट्रांसफ़र के ऊपर स्टे ऑर्डर मिल गया, मौजूद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल गया, स्टे ऑर्डर के पीछे फिर हम भागते रहे तकरीबन 15-20 दिन, हमारे सेक्रेटरी साहब के और MD साहब के सिर्फ स्टे ऑर्डर बाद वैकेट कराने में लग गए। तो जहाँ इस तरह के हालात हों तो उसमें एंटी करप्शन पर तो काम करना कई सालों का काम, तो हमने तीसरे ऑप्शन की तरफ गया, हमने कहा कि जी सिस्टम को रिफॉर्म करते हैं, सिस्टम रिफॉर्म होगा तो खुद ही करप्शन के रास्ते बंद होंगे, गलत कामों के रास्ते बंद होंगे और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, लोगों के जो हमारे रिकॉर्ड्स हमारे ड्रॉअर्स में मौजूद हैं वो ड्रॉअर के बजाय वेबसाइट पे आ जाएं, पब्लिक में आ जाएं, ट्रांसपेरेंट हो जाएं, ताकि उसके अंदर फिर छेड़छाड़ की खराबियों की गुंजाइश ना रखे। तो ये हमने फिर इसके ऊपर जब काम शुरू किया तो वही एक सलूशन था कि हम लोगों का लोगों से ताल्लुक ख़त्म कर दें, दफ्तर में आने की ज़रूरत ही ना रहे, ऑनलाइन लोगों के काम हो, सारा रिकॉर्ड उनका डिजिटाइज हो, वेबसाइट पे मौजूद हो, ऑनलाइन उनके काम हो, लोग ऑनलाइन पेमेंट करें अपनी जो फीस हो, और कुरियर सर्विस के ज़रिए उनके घर के ऊपर उनका कागज़ पहुंच जाए। तो जब हमने इसके ऊपर काम किया तो इसके ऊपर हमारी टीम ने बड़ी मेहनत, डिजिटाइजेशन का हमने काम किया, रिकॉर्ड सारा डिजिटाइज हो गया, तकरीबन रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया, दिन रात इन्होंने काम किया। मैं यकीनन ये कहूँगा कि इसके अंदर हमारी टीम ने बहुत मेहनत की और साइट के हर ऑफिसर ने, हर कारिंदे ने हमारे साथ काम किया, काली फेड़े ज़रूर थी वहाँ पर जिन्होंने हमें काम करने में तक रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन जब उन कारी बेलों को हमने साइड पे किया तो उसके बाद से काम बहुत बेहतर अंदाज में होना शुरू किया, और इसके अंदर जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनसे लेके लोअर स्टाफ तक सब ने काम किया। तो हम इस मौके पे पहुंच गए कि अब ये एप्लीकेशन ऑनलाइन मौजूद है। या आप देखें, ये पहले भी बताया जा चुका है कि आप ऑनलाइन जाके अपनी एप्लीकेशन करेंगे, ये दोनों तरफ एंड्रॉयड भी मौजूद है और एप्पल भी। इसके अलावा ये नहीं है कि ये आप अप्लाई करेंगे इसके बाद वो कोई रख के बैठ जाए, ये डैशबोर्ड होंगे जो कि हर अफसर के पास होंगे, तो जहाँ पे MD के पास होंगे ये सेक्रेटरी के पास भी होंगे, मिनिस्टर के पास भी होंगे, और ये हम ये डैशबोर्ड हमारे जो साइट एसोसिएशन के लोग हैं उनके पास भी मौजूद होंगे, ताकि हर जो हमारा अफसर है उसकी कारकर्दगी साइट एसोसिएशन के लोग भी देखें, बता सकेंगे कि देखें इस अफसर के पास ये 15 फाइलें पेंडिंग हो गई हैं, ये 16 पॉइंटें पेंडिंग, और उसके हर किसी की जो पेंडेंसी की वजूहत भी लिखी होगी,
तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो नहीं सकती। और इसके बाद जो है, अगर इसके बाद भी अगर हम या हमारे जो जो कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ दफ्तरों में जाएं, तो फिर ये इनकी गलती होगी। अब आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि जी ये सिस्टम शुरू हो गया है, तो 1 जनवरी के बाद मेरे आपसे ये वादा है कि ये जो भी अभी सिस्टम को लॉन्च करने के बाद जो इसकी डीबगिंग होगी, ये इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में हम पूरी कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं, ये सारी अपलोड हो चुकी होंगी। तो 1 जनवरी के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने फिर साइट के दफ्तर में नहीं आना, किसी दफ्तर में आपने नहीं जाना, आपने ऑनलाइन पे असिस्ट करना है। जिसका ऑनलाइन पे काम नहीं होता, वो मेहरबानी करके मेरे दफ्तर में आ जाए, हम और आप दोनों साथ चलेंगे और देखेंगे आपकी फाइल कहाँ रुकी हुई, ठीक है। तो मेहरबानी करके ये आपको करना है, इसकी ओनरशिप आपने करनी है, इसको इंसिस्ट आपने करना है, किसी आसानी के लिए कि जी अगर 1 हफ्ते का अगर हम टाइमलाइन बना हुआ है और आप कहें जी मुझे 2 दिन के लिए चाहिए, तो ये काम आप नहीं करेंगे। फिर 1 हफ्ते के लिए आप इंतज़ार करेंगे, सिस्टम से आपको काम होकर मिलता है, नहीं मिलता तो फिर हम इसको देखेंगे क्या होता है। तो अगला हमारे पास 1-1.5 महीना इलेक्शन से पहले जो है इस काम को मजबूत करने का है। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड्स होंगे जो कि आपकी मदद करेंगे। अब इस जो हमारा 62 दिन की मैं बात करता हूँ, जो हमारी प्रोग्रेस है उसकी बात पे आ जाते हैं। तो पहली मीटिंग हमारी PITB के साथ हुई, मैडम आई होप कि अभी तक ऑनलाइन है, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब ये जो आप काम हमें कह रहे हैं ये 4 से 6 महीने लगेंगे। तो मैंने कहा 4 से 6 महीने तो मेरे पास है ही नहीं, हम ये काम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। मैं ये भी थोड़ी आप बात बता दूं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सीनियर मेंबर साहब बैठे हैं, ये दारे जो साहब बैठे हैं, ये लोग काम शुरू कर चुके थे। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे सिंध की ज़मीनों का काम करता है और उनके तकरीबन 200 से 300 दफातर हैं, तो उनके लिए बड़ा एक लंबा काम है। इंशाल्लाह कल उसका भी हम इफ्तिताह कर रहे हैं। तो उन्होंने जो ये काम हमने शुरू कर दिया था, तो हमने मैडम से कहा कि हम ऑलरेडी आपके साथ ई सर्विसेज का काम शुरू कर चुके हैं, सिंध में पहली दफ़ा ई सर्विसेज हो रही हैं। तो ई सर्विसेज में पहले हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लेके आए, फिर हमने ई सर्विसेज में अब इंडस्ट्री को लेके आए। तो हमने कहा कि ये ई सर्विसेज का काम है, ऑलरेडी हम आपके साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर चुके हैं, तो मैं आपको इसके अंदर 1.5 से 2 महीने का टाइम देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देता हूँ। तो मैडम काफ़ी जो बड़ी परेशान थी, उन्होंने कहा कि सर ये हो नहीं सकेगा। मैंने कहा नहीं, आपको जो भी हमसे मदद चाहिए, हमारे लोग दिन रात काम करेंगे, आपको सारा डॉक्यूमेंट डाटा देंगे, मैच देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि आज ही हमने 62 डेज के अंदर ये सारा काम कर लिया है और अगले 8 से 10-15 दिन में इंशाल्लाह ये मैच्योर हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें मुस्तहकम तभी होंगी जब ओनरशिप हो। ओनरशिप आएगी इंशाल्लाह आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इसके जिसको कहें कि इससे फ़ायदा आपका है। हमारी जो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी कहें या हमारे अफसरान हैं, उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा है कि वो दफ्तर में बैठ के आराम से काम कर सकेंगे। दफ्तरों पे लोगों का रश नहीं होगा और ये तरीके से अपना काम करेंगे, इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगेंगे। एक दफ्तर को एक मॉडर्न लेवल पे लेके जाएंगे, एक शफाफियत की तरफ लेके जाएंगे और लोग इनकी मिसालें देंगे इंशाल्लाह। तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों इंशाल्लाह पहली मिसाल कायम कर रहे हैं सिंध में बाकी इदारों के लिए कि हम एक मॉडर्न दौर में दाखिल हो रहे हैं कि जहाँ पे ई सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड जो दुनिया में जैसे बताया हमारे भाइयों ने कि सालों पहले हो चुका है, तो अब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह जो कदम है उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे। इसके अलावा भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे दोस्तों ने बात की कि हमने इसको जो पहला काम हम ये 2 इदारों में किया है, हमने हाइट में और सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, इसको हम डायरेक्ट्रेट में भी लेके जा रहे हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम होता है ट्रस्ट की और पार्टनरशिप्स की। वहाँ पर भी लोगों को शिकायत थी कि डिलेज होते हैं, करप्शन की बात होती है, तो इंशाल्लाह उसको भी ऑनलाइन ला रहे हैं। हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसके आप जिक्र किया बहुत से दोस्तों ने कि उसमें हम बहुत हमने मसाइल हल किए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह हल करेंगे। वन विंडो, जैसे मैंने कहा कि वन विंडो हम कर रहे हैं लेबर के लिए, हम उनके वाटर के इशूज रिजॉल्व हुए, सॉलिड वेस्ट के रिजॉल्व हुए, जैसे कि आपको अरबी साहब ने बताया था वर्क कमेटी। ये एक बहुत बड़ा काम है कि हमने जितना भी डेवलपमेंट वर्क है उसके लिए वर्क कमेटियाँ बना दी हैं जो कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के नुमाइंदों में मौजूद होंगी कि जो है नुमाइंदगी में चलेंगी और उसको इख्तियार है कि टेंडरिंग से लेकर पेमेंट्स तक सारी चीज़ों को मॉनिटर करें। अब इसके बाद भी अगर अच्छी क्वालिटी का काम नहीं होता तो फिर आप अपने नुमाइंदों को पकड़ें। इंशाल्लाह हमने ये काम सरकारी अफसरों से निकाल के आपके नुमाइंदों के हाथ में दे दिया, तो इंशाल्लाह वर्क कमेटी एक बहुत बड़ा हमारा कदम है। मुझे कहा गया था कि ये बातें भी बताएं और इंडस्ट्रियल डाटा कलेक्शन पॉलिसी वर्क हम कर रहे हैं। एक जो बात अभी थोड़ी देर पहले की गई कि जी इंडस्ट्रियल प्लॉट की अलॉटमेंट्स
जो है वो एक रियल इस्टेट का बिजनेस बन गई है, तो हम एक सिंध इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं और इंशाल्लाह उसके तहत यही चीज़ कर रहे हैं जो जिसका अभी मुतालबा किया गया है कि इंडस्ट्रियल प्लॉट को रीसेलेबल नहीं होगा, उसको सिर्फ इंडस्ट्री बनाने के लिए रखा जाएगा। गैस की बात की, गैस के ऊपर लेटर लिखा जा चुका है फेडरल गवर्नमेंट को और ये हमने दो दिन पहले हमने CM साहब से उठाया था मामला। CM साहब ने मेहरबानी की, कल ये लेटर साइन होके जा चुका है फेडरल गवर्नमेंट में और हमने यही बात की है कि सिंध की गैस के ऊपर जो सिंध का हक है, सिंध की इंडस्ट्री का हक है, उसको आइन के मुताबिक बहाल किया जाए। तो और बहुत सी बातें भी हैं करने को, लेकिन आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। आज हमारे लिए एक तारीखी दिन है इंशाल्लाह और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी ओनरशिप करेंगे और ये जो काम शुरू हुआ है इसको रिवर्स नहीं हो लगने देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप सबकी बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान का, सेक्रेटरी साहब के, एमडी साहिबान के और सभी के, जिन्होंने आज के इस तारीखी और जबरदस्त एक किरदार जो है वो अदा किया। ऑन बिहाफ ऑफ साइंस लिमिटेड आई फील ग्रेट ऑनर टू पे वोट ऑफ थैंक्स और आप सबकी मेहरबानी, हिम्मत अफजाई की और सबसे पहले मिनिस्टर साहब की जिन्होंने अपना विजन दिया और विजन के बाद ये आज एक तारीखी दिन है जिसमें ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार हैदर और आज हम मौजूद हैं मैरियट होटल में जहां पर एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया जो कि साइल लिमिटेड और SSIC की जानिब से मुनक्किद की गई और इनके रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया जो कि काफ़ी काबिल तहसीन है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब यूनस धागा साहब और इसके अलावा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ सोलंगी साहब और MD साइट गजनफर अली कादरी साहब। आने वाले वक्तों में इसके काफ़ी अच्छे असरात मुरतब होंगे जो कि देर पा रहेंगे और अच्छी उम्मीद के साथ हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी अपने मैसेज के साथ मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो सच है वही खबर है। STA